कर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल बस्ती में, जहाँ करते हैं हम सेटों की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज लेके आया हूँ आपके लिए एक सेट का रिव्यू, जो कि है लावा ने लॉन्च किया है लावा Z61 नाम से एक मार्केट में नया स्मार्टफोन, जो कि है फुल HD स्क्रीन के साथ बहुत ही सस्ता मोबाइल। कीमत है 5750 रुपये मार्केट में, और फ्रेंड यो फुल व्यू डिस्प्ले है और फुल HD स्क्रीन 18:9 की डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी 2.5D कर्व ग्लास के साथ। बैटरी रखी गई है इसमें 3000 mAh की। फ्रंट कैमरा दिया गया है इसमें 5 MP का और 8 MP का रियर कैमरा बुके मोड के साथ दिया गया है इसमें। बाकी आपको 1.5 GHz का इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, 1 GB इसमें रैम दी गई है और 16 GB इसमें रोम दी गई है। बाकी इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड इसमें खास फीचर दिया गया है, इसमें फास्ट चार्जिंग 1.5 एम्पीयर के चार्जर द्वारा होगी, तो मोबाइल थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह दो कलर में मिलेगा, ब्लैक या गोल्ड कलर में। तो फ्रेंड्स बाकी इसमें कमियां देखें तो फ्रेंड्स इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। बाकी रैम सिर्फ 1 GB की दी गई है और कैमरा भी सिर्फ फ्रंट 5 MP का इसमें कैमरा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज मेरे पास मोबाइल नहीं है मगर इसकी डमी है, आपको इसका लुक और डिज़ाइन दिखाते हैं आपको वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लावा Z61 का लुक, कुछ इस तरह से आएगा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका लुक और डिज़ाइन देखते हैं, अगले 2-3 दिन में आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी और फ्रेंड्स देखेंगे इसके सारे फीचर्स क्या क्या है, कैमरा कैसा है। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ वीडियो में और देखते हैं इसका लुक और डिज़ाइन। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स बिना समय गवाए देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ कंपेरिजन करेंगे लावा Z60 और लावा Z70 के साथ लावा Z61 का। तो फ्रेंड्स ये है लावा Z61 फुल व्यू एंड फुल HD स्क्रीन के साथ 18:9 की डिस्प्ले है इसमें। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का डिजाइन है इस सेट का, देख सकते हैं आप। फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया गया है, साथ में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन की कुछ नहीं है, फुल स्क्रीन है और यह बिल्कुल आईटेल का A44 से मेल खाता है। राइट साइड में देख सकते हैं आप पावर ऑन की है और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। ऊपर की साइड दिया गया है 3.5 mm का हेडफोन जैक। बॉटम साइड में देखें तो यहाँ पर माइक देखने को मिलेगा और चार्जिंग जैक देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में यहाँ नीचे स्पीकर दिए गए हैं और ऊपर दिया गया है 8 MP का रियर कैमरा विद LED फ्लैश। बाकी इस तरह का डिज़ाइन है और इसी डिज़ाइन के साथ हम देखें तो लावा Z60 से इसकी तुलना करें तो लावा Z60 का हमारे पास यह सेट है। तो देख सकते हैं आप दोनों को हम साथ में मिला के देखें तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है Z61 की, देख सकते हैं आप दोनों को एक साथ, जबकि साइज़ में लगभग सेम आकार के दोनों सेट हैं मगर डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। बैक साइड में देखें तो बैक साइड में कैमरा में यहाँ पर LED फ्लैश इधर दिया गया है और यहाँ डाउन में दिया गया था लावा Z60 में, और चार्जिंग जैक यहाँ पर Z60 में ऊपर दिया गया था और नीचे की साइड सिर्फ माइक दिया गया था। वहीं देखें तो Z70 से तुलना करें तो Z70 में यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन साइज़ में भी काफ़ी अंतर है यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स जबकि साइज़ लगभग बराबर है। फ्रेंड्स कमी की बात करें तो यहाँ पर अगर पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता तो यह सेट और अच्छा लगता, बिल्कुल Z70 की तरह। देख सकते हैं आप लावा Z70 में फिंगर सेंसर बहुत अच्छा लग रहा है, वहीं यहाँ पर खाली खाली सोना लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का यह मोबाइल आपको देखने को मिलेगा लावा Z61 का। और अगले 2-3 दिन में हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, अभी हमारे पास डमी है तो आपको इसका लुक डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगर सेट यूज़ कर रहे हैं तो लावा Z61 आपको कैसा सेट लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।